सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए, अब दिस इज 27 रेज टू 2/3। इसका मतलब क्या होता है? 27 रेज टू 1/3 एंड रेज टू 2, आपको पता है ना? ये कैसे पता है? ए रेज टू यम रेज टू एन का मतलब क्या होता है? ए रेज टू यम मल्टीप्लाइड बाय एन, राइट? या फिर ए रेज टू, और हमने ये देखा भी है दूसरा भी लॉ कि ए रेज टू यम बाय एन इज इक्वल टू ए रेज टू यम रेज टू 1/n। अब उसके आगे, लेकिन 27 रेस टू 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। ये देखा है हमने, ये भी ए रेस टू 1/n इज इक्वल टू यंथ रूट ऑफ ए। सो 27 रेस टू 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 27 रेस टू 2। ये तो रेस टू 2 जैसा है वैसे है। अब क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है? इट इज 3, क्योंकि 3 का क्यूब है 27, तो 27 का क्यूब रूट 3, और ये स्क्वायर जैसा है वैसे है, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या होता है भाई? 9। दिस इज जस्ट आंसर। अब इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। बेसिकली 1024 का मतलब होता है 2 रेस टू 5। आप करके देखिए, 2 रेस टू 5 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 पांच बार, राइट? सो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, सॉरी 4 रेस टू 5। सो 4 4 4 4 4 पांच बार। 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 64 × 4 = कितना आएगा? 256, और 256 × 4 = 1024। सो इसको मैं लिखूंगा 4 रेस टू 5। दिस होल रेस टू दिस थिंग मतलब -4/5। चलिए अब इसको क्या लिखेंगे हम? 4 रेस टू 5 जैसा है वैसे है। अब इसको स्प्लिट करो। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? देखिए, 1/5 रेज टू -4। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -4/5 आता है। अब इक्वल टू, चलिए इक्वल टू क्या होगा? 4 रेस टू 5। अब इसको देखिए, इस पार्ट को, दिस पार्ट, दिस वन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए ना, ठीक है? सो 4 रेस टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 रेज टू क्या होगा? -4। जरा मैंने इसको ज्यादा ही कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी, यहीं पे हम कर सकते थे शॉर्टकट, लेकिन ठीक है। चलिए 5 और 5 कैंसिल, सो 4 रेज टू -4 बन गया। सो आपका हो जाएगा 1/4 रेज टू 4। 4 रेज टू 4 का मतलब होता है 4 × 4 = 16, 4 × 64, 4 × 156, 256। सो 256, देखिए यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, ए रेस टू यम रेस टू एन है, सो क्या होगा? ये 4 रेस टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो 5 × -4/5, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही सिंपल है। ये भी कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका 4 रेस टू -4, दैट इज 1/4 रेस टू 4, दैट इज 1/256, राइट? ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ये रेस टू 3 है, सॉरी 1/3 है, इसका मतलब है क्यूब के फॉर्म में लिखना होगा। सो आपको पता है 8 इज नथिंग बट 2 क्यूब, और 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है, राइट? रेस टू -4/3, चलिए इक्वल टू, इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्यूब को कॉमन निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए ए रेस टू एन अपॉन बी रेस टू एन का मतलब होता है ये अपॉन बी रेस टू एन। तो चलिए क्या होगा? ये 2/5, ये दोनों का कॉमन क्यूब निकल के आएगा
और इनका रेज टू ये है, सो -4/5। अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 4/3 है ना भैया, सो 4/3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए इन दोनों का, राइट। सो 2/5 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय -4/3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सो आपका बन जाएगा 2/5 रेज टू -4। अब आपको ये भी पता है, क्या पता है, ए अपॉन बी रेस टू माइनस एन का मतलब क्या होता है, ये अगर प्लस करना है तो इनको उल्टा कर दो, मतलब बी बाय ए रेस टू एन, पता है ना, उल्टा हो जाता है। सो इक्वल टू क्या आएगा, 5/2 रेस टू 4। तो क्या होगा, 5 रेस टू 4, 2 रेस टू 4, सो 5 रेस टू 4 है 625, और 2 रेस टू 4 है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, सो 625 डिवाइड बाय 16। ओके, अब इनको इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले है ये, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 डिवाइडेड बाय, देखिए इस पॉइंट को, इस डेसिमल पॉइंट को मैंने यहाँ तक ला दिया, मतलब 1 2 3 4 5 प्लेसेस राइट को, मतलब डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 प्लेसेस आ गए, रेस टू 3/5। अब आपको एक तो बात पता होनी चाहिए कि इधर नीचे 5 है, मतलब किसी भी चीज़ का रेस टू 5 आना चाहिए। देखिए 32 तो है 2 रेस टू 5, और इसका मतलब क्या होता है, 10 रेस टू 5 होता है ना, ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। 10 रेस टू 5 मतलब एक के ऊपर 5 जीरो होने चाहिए, 10 रेस टू 6 मतलब एक के ऊपर 6 जीरो होने चाहिए, और ये होल रेस टू क्या है, ये है 3/5, राइट। अब उसके आगे इन दोनों का पावर कॉमन निकल जाएगा, सो 2 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू 5 एंड दिस होल रेस टू 3/5। नीचे क्या आएगा, कम ऑन, अब ये और ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो 2 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, सो ये तो कैंसिल हो गए, तो आपका फाइनली क्या आ जाता है भैया, तो 2/10 का मतलब क्या है, 2 5 जा 10 मतलब 1/5 हो गया, और पावर में क्या आ गया, 3 आ गया, सो ये पावर भी पता है आपको, डिवाइड हो जाती है 1 क्यूब एंड 5 क्यूब, दोनों को देनी पड़ेगी पावर अलग अलग से। 1 क्यूब मतलब क्या है, 1 ही होता है, 5 क्यूब मतलब क्या होता है, 125 होता है, राइट। ओके, अब इसे सॉल्व करना है इस पूरे को, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, आपको एक लॉ पता है, ए रेस टू एम मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए रेस टू एम प्लस एन। अब ये लॉ होने के लिए जो बेस है, इस दोनों का बेस सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों का बेस सेम नहीं है, तो मैं कर दूंगा दोनों का बेस सेम। कैसे कर दूंगा, देखिए मैं 256 को 16 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, देखिए 256 इज इक्वल टू क्या आता है, 4 रेस टू 4, ये तो मुझे क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, 4 रेस टू 4 मतलब 4 स्क्वायर रेस टू 2, देखिए इन दोनों का क्या हो जाता है, 2 2 जा 4, बस मैंने इस 4 को ऐसे स्प्लिट किया, मतलब क्या आता है, 6 रेस टू 2, या फिर आपको याद ही होना चाहिए कि 16 का स्क्वायर 256 है, राइट। तो अब मैं इस आइडेंटिटी को लिख लेता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूँ, बट क्या, बट क्या, बट दिस थिंग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 256 को मैं लिखूंगा 16 स्क्वायर, और 16 स्क्वायर इसको लिख लिया तो ऊपर तो ये है ही 0.16, और इक्वल टू ये तो है 16, इक्वल टू नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय है 16 रेस टू 0.18। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, कैसे होगा,
16 रेस टू, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.16, नीचे मल्टीप्लिकेशन में 16 रेस टू 0.18 इक्वल टू 16 रेस टू, 16 टू जा 32, सो 0.32 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेस टू 0.18। अब अगर आप देखोगे तो ये और ये बेसिस कॉमन है, तो पावर का क्या होगा, एडिशन होगा यूजिंग दिस रूल। सो इक्वल टू 16 रेस टू 0.32 प्लस 0.18 इक्वल टू क्या होगा, 16 रेस टू, इन दोनों का एडिशन अगर आप करोगे तो 0.5 आएगा। और 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2, 0.5 इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 मतलब क्या होता है, स्क्वेयर रूट ही होता है ना ये। सो स्क्वेयर रूट ऑफ 16 इज नथिंग बट 4, सो दिस इज योर आंसर। ओके, यहां पे व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइज, डिविडेंड कैपिटल डी और ये डिवाइजर है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करना है, ऐसे एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, चलिए इक्वल टू, अब एक्स रेस टू माइनस वन का मतलब होता है 1/(x-1) जैसा है वैसा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू, अब ये तो आपको पता है इसको किस तरीके से किया जाता है, ये डिवाइड बाय वन पकड़ना है, सो आपका आएगा ये 1-x डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो ये बन जाता है 1-x डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप माइनस को कॉमन निकालो तो -x-1 बन जाएगा, और नीचे x इंटू x-1 बन जाएगा, सो ये और ये कैंसिल होगा और -1/(x) आंसर आएगा, या फिर माइनस एक्स रेस टू वन है तो ऊपर जाके x-1 आ जाएगा। सो दिस और दिस शुड बी योर फाइनल आंसर।